बिग बॉस सीजन 12 में नजर आने वाली द वेरी ब्यूटीफुल टीवी एक्ट्रेस सृष्टि रोडे। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों काफी सुर्खियों में छाई हैं सृष्टि और साथ ही उनके एक्स फियांसे मनीष नागदेव भी। आप सभी को बता दें और खबरों की माने तो आप सभी देख ही रहे हैं कि मनीष नागदेव और सृष्टि रोडे जो हैं वो एक दूसरे को इंस्टा पर तो अनफॉलो कर ही चुके हैं, लेकिन अब जो है इनका ब्रेकअप भी कंफर्म हो गया है। जी हाँ, हाल ही में आप सभी को चला था कि रोहित ने इन सभी चीजों पर रिएक्ट किया और अपने और सृष्टि रोडे के रिलेशनशिप को लेकर भी साफ साफ उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन अब जो है मनीष नागदेव ने अपने और सृष्टि के ब्रेकअप को कंफर्म कर दिया है। खबरों की माने तो क्लेरिफाई कर दिया है मनीष नागदेव ने कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये ब्रेकअप जो है हो चुका है और दोनों के रास्ते जो है अलग हो गए हैं। वेल, आप सभी को बना दें कि खबरों की माने तो मनीष ने एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन करी थी मोमेंट टाइम्स में और उन्होंने वहां कंफर्म किया है कि दे आर नो लॉन्गर टुगेदर, यानी कि सृष्टि और मनीष जो हैं अब साथ में नहीं हैं, दोनों के पाथ यानी कि दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग हो चुके हैं। वेल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि इन सब की वजह रोहित बताई जा रही थी, लेकिन अब जो है मनीष ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये रोहित की वजह से नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो रियलाइज हुई हैं मनीष को कि हम दोनों की जो सोच है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैचअप नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से मनीष ने जो है अब सृष्टि रोड़े से फाइनली और कंफर्म जो है ब्रेकअप कर लिया है, जिसके बाद जो है फैंस काफी कुछ कह रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है मनीष का या फिर रोहित या फिर सृष्टि का सपोर्ट करते हुए या फिर ना सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक अब देखा जा रहा है, मनीष और सृष्टि के जो रास्ते हैं वो अलग हो गए हैं और जो इनका रिलेशनशिप है, यानी कि जो इतने टाइम से इनका रिलेशनशिप चल रहा था और दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन अब जो है दोनों अलग हो गए हैं और इस पर और भी क्या कुछ बातें सामने आती हैं, धीरे धीरे सृष्टि का क्या रिएक्शन आता है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स करें। लेकिन मनीष नागदेव ने फाइनली ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्लेरिफाई कर दी है और इसमें रोहित का कोई भी हाथ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट लाइफ से हिमाशी की रिपोर्ट।